जिम्मेवारी है कि वार्ता को सफल करती है कि नहीं, क्योंकि ग्रामीणों का ये अगर एक साल की बात करें तो ऐसे तो आंदोलन 10 सालों से चल रहा है, 20 सालों से चल रहा है, लेकिन एक सालों से लगातार हम 3-4 बार धरना दे चुके हैं। यानी अगर वार्ता विफल रही है तो इसमें कंपनी मैनेजमेंट दोषी है, ना कि ग्रामीण। चूंकि इससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां आंदोलन करती थी और उनपे लोगों का विश्वास कम हुआ, अब JBKSS एक उम्मीद बनकर आई है और हम लोग एक ऐसी संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे जिनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रभुत्व नहीं है, इस कारण ये लोग थोड़ा सा हम लोग को भी रह रहा के आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास सत्ता की शक्ति नहीं है तो अपने हिसाब से आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन हमारी खासियत है कि भले आंदोलन लंबा चल सकता है लेकिन निष्ठापूर्वक चलेगा, हमारे आंदोलन में बिकने का झुकने का सवाल नहीं होता। घटना उसको क्या कहेंगे आप? जी उसके लिए खेत प्रकट करेंगे, हमें भी सूचना मिली है, कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी क्योंकि आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किए और उस कारण छोटी सी झड़प हुई है, उसको लेकर जो भी अगर जख्मी है तो उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं, उनके लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनसे मिलने के लिए भी हम लोग जाएंगे, चाहे वो ये दुर्भाग्य का विषय है। एक लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाना, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज होना दुर्भाग्य का विषय है। जिम्मेवारी है कि वार्ता को सफल करती है कि नहीं, क्योंकि ग्रामीणों का ये अगर एक साल की बात करें तो ऐसे तो आंदोलन 10 सालों से चल रहा है, 20 सालों से चल रहा है, लेकिन एक सालों से लगातार हम 3-4 बार धरना दे चुके हैं। यानी अगर वार्ता विफल रही है तो इसमें कंपनी मैनेजमेंट दोषी है, ना कि ग्रामीण। देखिए चूंकि इससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां आंदोलन करती थी और उनपे लोगों का विश्वास कम हुआ, अब JBKSS एक उम्मीद बनकर आई है और हम लोग एक ऐसी संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रभुत्व नहीं है, इस कारण ये लोग थोड़ा सा हम लोग को भी रह रहा के आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास सत्ता की शक्ति नहीं है तो अपने हिसाब से आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन हमारी खासियत है कि भले आंदोलन लंबा चल सकता है लेकिन निष्ठापूर्वक चलेगा, हमारे आंदोलन में बिकने का झुकने का सवाल नहीं होता। घटना उसको क्या कहेंगे आप? जी उसके लिए खेत प्रकट करेंगे, हमें भी सूचना मिली है, कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी क्योंकि आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किए और उस कारण छोटी सी झड़प हुई है, उसको लेकर जो भी अगर जख्मी है तो उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं, उनके लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनसे मिलने के लिए भी हम लोग जाएंगे, चाहे वो ये दुर्भाग्य का विषय है। एक लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाना, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज होना दुर्भाग्य का विषय है।